ये कहा जा रहा है कि ऑक्सीजन की कमी आने वाले वक्त में हो सकती है, यह चिंता का सबब है। डिप्टी सीएम ने भी इस बात का जिक्र किया है, लेकिन तमाम तरीके की परेशानियां हैं। कई बार ऑक्सीजन सिलेंडर की सप्लाई वक्त रहते नहीं हो पाती है, रास्ते में कई बार अड़चन आ जाती है, कई बार ट्रैफिक का सामना करना पड़ता है, हाईवेज पर दिक्कत आती है, तमाम तरीके की दिक्कतें लोगों को आ रही हैं और इसी के चलते इस वक्त ये इमरजेंसी सिचुएशन है, क्रिटिकल सिचुएशन है। डॉक्टर मनोज कुमार भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कार्डियोलॉजिस्ट हैं मैक्स अस्पताल से। डॉक्टर मनोज, आपके पास रोजाना कई ऐसे पेशेंट्स आते होंगे जिन्होंने ये बयां किया होगा कि उन्हें मेडिसिन की भी किल्लत आ रही है। ऑक्सीजन सिलेंडर की सप्लाई तो है ही किल्लत और एक चिंता का सबब, लेकिन कौन सी वो मेडिसिन है इस वक्त जो शॉर्ट सप्लाई में है? देखिए, मैं विदाउट डिप्लोमेटिक होते हुए आपको डिप्लोमेसी नहीं करूंगा, मैं ये कहूंगा कि हमारा एंटीसिपेशन फेलियर है। हमें पता था कि SARS-CoV-2 का जो वर्सन 2 है वो डिफरेंट है, और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, नेशनल क्लिनिकल रजिस्ट्री COVID-19 में भी लिखा हुआ है कि इस बार ऑक्सीजन की जो रिक्वायरमेंट है वो ज़्यादा होगी, सीवियर केसेस, लंग के इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा हो रहे हैं, हॉस्पिटलाइज पेशेंट्स में 55% पेशेंट्स को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट हो रही है, बट हम लोगों ने उसकी तैयारी नहीं की। अब रेमडेसिविर की बात की, अगर हम वैज्ञानिकों की और अनुसंधानकर्ताओं की बात मानते और उसके हिसाब से पॉलिसी फिक्स करते, 2 महीने पहले पता था कि डबल म्यूटेंट स्ट्रेन आ गया है और ट्रिपल म्यूटेंट स्ट्रेन, मैं बंगाल की बात कर रहा हूँ, वहां पे भी पाया गया है, अभी भी हम लोग सजग नहीं हुए। जब बंगाल फिर विस्फोट करेगा तो फिर हम दवा रेमडेसिविर के लिए और ऑक्सीजन के लिए दौड़ेंगे। जहां तक ऑक्सीजन की टोटल कैपेसिटी है हमारी 7000 मेट्रिक टन की है, उसमें से पूरा एग्जॉस्ट हो जाता है पर डे का, और अभी जो भी इंडस्ट्री से जो डायवर्सन हो रही है ऑक्सीजन की उससे कमी पूरी होगी, बट अभी तो बिल्कुल भयावह स्थिति है। दूसरी बात रेमडेसिविर की, रेमडेसिविर का प्रोडक्शन रोक दिया गया, शॉर्ट एक्सपायरी की ये दवा होती है, बट हम समय के पहले चेतते नहीं है, समय के पहले जागते नहीं है। जब हम लोग जो प्रॉब्लम है उसको फिक्स करना चाहते हैं, हम जो कॉज है उसको सुनते नहीं है, जो एंटीसिपेटरी फाइंडिंग्स होती है हमें एंटीसिपेशन में पहले से जो खबर होती है उस पर एक्ट नहीं करते हैं। अभी देखिए, टॉर्सलीजुमेब नहीं है, रेमडेसिविर नहीं है, इवन डेक्सामेथासोन, क्योंकि मॉडरेट केसेस में डेक्सामेथासोन एंड ऑक्सीजन जो है वो काफी होता है। रेमडेसिविर हॉस्पिटल कोर्स को या इलनेस की ड्यूरेशन को कम करता है, मॉर्टलिटी पे कोई स्ट्रॉन्ग डेटा नहीं है, बट जिस तरीके से जो कॉमन चीजें हैं, स्टेरॉइड्स की जरूरत है आपको, ऑक्सीजन की जरूरत है, रेमडेसिविर की जरूरत है, साइटोकाइन स्ट्रोम में अभी भी टॉर्सलीजुमेब देते हैं, इन सारी दवाइयां बाजार से गायब हो गई हैं। रेमडेसिविर की आपूर्ति करने के लिए सरकार प्रयत्न कर रही है, बट अभी भी हमारे पास इतने कॉल्स आते हैं, इवन ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए कहीं से भी रेमडेसिविर दिलवा दीजिए, अब तो मतलब बिल्कुल समझिए अनकंट्रोल्ड सा सिचुएशन हो गया। हमारे साथ डॉक्टर सुधीर भंडारी भी जुड़ गए हैं, सीनियर प्रोफेसर हैं, मेडिसिन कंसल्टेंट फिजिशियन इंटरनल मेडिसिन SMS हॉस्पिटल के, और साथ ही ये मेंबर भी हैं स्टेट एडवाइजरी बोर्ड जो कि गवर्नमेंट ने COVID-19 के लिए जिसका गठन किया था। लेकिन अगर रुक करना चाहें सुधीर भंडारी से, पहले हम डॉक्टर रजनीश कपूर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर रजनीश, मैं आपसे ये यहां पर समझना चाहूंगी, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ऑक्सीमीटर के जरिए अपना ऑक्सीजन लेवल मॉनिटर करते हैं, कौन से ऑक्सीजन लेवल्स अलार्मिंग होते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सांस की बीमारी से या फिर फेफड़ों की बीमारी से पहले से जूझ रहे हैं, अगर वो CT स्कैन कराते हैं उसमें पैचेस आते हैं जबकि RT-PCR नेगेटिव है, तो ऐसे में कब उन्हें चेतना चाहिए, कब उनके लिए इमरजेंसी सिचुएशन है? बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है ये सारा सिनेरियो, तो पहले मैं एक वर्ड कहना चाहूंगा ऑक्सीजन के लिए। हुआ क्या, ये पीछे एक सप्ताह से जो केसेस एकदम से बढ़े, तो हम लोग बहुत अच्छे से प्रिपेयर नहीं थे, या मैं भी मानूंगा और मैं भी कहूंगा ये एम्फेटिकली। सो एक कोविड पेशेंट जिसको हम ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, पहले ये माना गया भी वेंटिलेटर से हमें बचना है जब भी कोविड पेशेंट का सैचुरेशन गिरता है, तो उसमें क्या होता है, हम 2 तरह से ऑक्सीजन देते हैं, एक नेजल मास्क, एक नॉर्मल मास्क, नॉर्मल ऑक्सीजन मास्क, और एक हाई फ्लो नेजल ऑक्सीजन मास्क। सो नॉर्मल ऑक्सीजन मास्क 1 मिनट के अंदर कोई 10 से 15 लीटर ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होता है उसके लिए, और जो हाई फ्लो नेजल ऑक्सीजन मास्क है उसको हम मानते हैं ये वेंटिलेटर को काफी हद तक रोक सकता है और काफी उसको लंबा चला सकता है, भी वेंटिलेटर की जरूरत ना पड़े और पेशेंट हाई फ्लो नेजल ऑक्सीजन से ही चलता रहे। बट नाउ एक हाई फ्लो नेजल ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट 1 मिनट के अंदर एक कोविड पेशेंट के लिए 60 लीटर का है। तो 1 मिनट में वो 60 लीटर ऑक्सीजन कंज्यूम करता है। अब मानिए, जब इतना
सब हॉस्पिटल फ्लड हो गया कोविड पेशेंट से जिनको ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट है, और कितना पेशेंट है जो हाई फ्लो नेजल ऑक्सीजन पे है, 60 लीटर्स पर मिनट दे आर कंज्यूमिंग ऑक्सीजन. सो वेयर वुड इट हैपन? इट्स अ क्लियर कट सप्लाई एंड यूजेज मिसमैच. तो मिसमैच हो गया. अब अभी भी अगर सिचुएशन और तेज गति से आगे बढ़ता है, इट हैज टू बी प्रिपेयर्ड एट द बैक फ्रंट, जहां पे ऑक्सीजन का डिमांड तेज मीट करने के लिए उसका प्रोडक्शन, उसका जो उसको इंतजाम करवाना है वो तेज गति से किया जाए. इट हैज टू बी थॉट. इट्स अ वॉर लाइक सिचुएशन. दैट्स नंबर वन. और एक पॉइंट है जो हम सब लोग भूल रहे हैं. नाउ एवरीथिंग हैज बीन डाइवर्टेड टू कोविड पेशेंट्स. ऑक्सीजन नहीं मिल रहा. आप सोचिए किसी और को, नॉन कोविड पेशेंट को किसी सर्जरी का जरूरत है और हॉस्पिटल में ऑक्सीजन नहीं है. सो देन इवन द सिचुएशन बिकम्स मोर ग्रिम. अब जो आपका क्वेश्चन था वही इसका आंसर भी है. जो आपने बोला अभी कितना सेचुरेशन लेवल, आई थिंक बहुत बड़ा पैनिक आ गया है सोसाइटी के अंदर. एवरीबडी इज लुकिंग फॉर बेड. आई गेट 200 कॉल्स अ डे टू गेट अ आईसीयू बेड, एंड देन वी स्टार्ट ट्रीटिंग देम, एंड देन जब हम उनसे बात करते हैं आगे तो पता चलता है ऑक्सीजन लेवल 93, 94, 92 तक है. सो आई एम रीइटरेटिंग, आई एम एम्फसाइजिंग विद अ ह्यूज बिग स्टेटमेंट, अगर आपका ऑक्सीजन लेवल 92, 91 से ऊपर है, पैनिक नहीं करिए, उसको क्लोजली मॉनिटर करिए, तेज गति से हॉस्पिटल भागने की कोशिश मत करिए.